दोस्तों एक जंगल में लकड़बग्घे का एक समूह जब शेर के बच्चे को अकेला देखता है तो वो लोग उसे मार डालते हैं। शेर का बच्चा बहुत चिल्लाता है लेकिन उसके माँ बाप वहाँ नहीं होते और इसी का फायदा ये लकड़बग्घे उठा लेते हैं। शेर की इस बच्चे को मारने के बाद लकड़बग्घों में से एक यह चेक करता है कि क्या यह बच्चा पूरी तरह मरा है या नहीं, और जब उसे पता चल जाता है कि इसका बच्चा पूरी तरह मर गया है तो यह वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उस मरे हुए बच्चे का पिता आता है और अपने बच्चे को ऐसा पड़ा हुआ देखता है तो वह दौड़कर उसके पास जाता है। वह पिता अपने बच्चे को जगाने की खूब कोशिश करता है लेकिन उसका बच्चा नहीं जगता। इसके बाद वह उसे मुंह में उठाकर अपनी मांद की ओर चला जाता है। दोस्तों इस पिता को यह पता नहीं कि उसका बेटा मर चुका है लेकिन फिर भी यह कई दिनों तक उसे मुंह में लेकर घूमता रहता है। थोड़े दिन बाद जब उस पिता को पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है और लकड़बग्घों के समूह ने उसे मारा है, इसके बाद वह पिता उन लकड़बग्घों पर सैलाब की तरह टूट पड़ता है। वह पिता चुन चुन कर उन सभी लकड़बग्घों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता है। इस तरह यह पिता इन लकड़बग्घों से अपने बेटे का बदला ले लेता है।